जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी सिद्धू मूसेवाला जी के माता और पिता को लेकर सामने आई है। उन्होंने जरूरतमंद के लिए इतना बड़ा काम किया है जिसे सुनकर आप भी प्राउड फील करेंगे और कहेंगे कि काश आज सिद्धू मूसेवाला जी जीवित होते तो उन्हें भी बेहद ज्यादा खुशी होती, और वो जिंदा होते तो वो भी यही करते जो सिद्धू के माता पिता ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कर डाला। वैसे तो दोस्तों पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई पड़ी है इस वक्त, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खासतौर पर रणवीर हुड्डा जो हैं वो सबसे पहले आए मदद के लिए, सलमान खान ने भी हाथ बढ़ाया है आगे मदद के लिए, अब सिद्धू के पिता ने भी जो है बहुत बड़ा कार्य किया है। सिद्धू मूसेवाला जी इसी प्रकार से हेल्प किया करते थे जरूरतमंदों की। वही माँ चरण कौर जी ने भी एक पोस्ट साझा किया है और उसमें बाढ़ पीड़ितों में गुजरे हुए परिवारों के लिए सहानुभूति व्यक्त की है, प्रार्थना की है उनकी आत्मा की शांति के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू के माता और पिता ने जो है राशन बांटे, कपड़े बांटे, और तो और उनसे ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो हमसे कांटेक्ट करें। इसी बीच एक सिद्धू के पिताजी का दर्दनाक वीडियो सामने आया है जिसमें सिद्धू के पिताजी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको 6 स्टड डले हैं, 14 किलो उन्होंने वेट गेन किया है, डॉक्टर ने उन्हें सड़क पर आने से मना किया है, फिर भी वो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और साथ ही अपने बेटे के जस्टिस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्हें दर बदर की ठोकर खिलाई जा रही है लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 1.5 साल बीत गया है लेकिन उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला। सुनिए सिद्धू के पिता का क्या कहना है, साथ ही उनका अगला वीडियो आप सुनेंगे जिसमें उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है उन्होंने अपील की है, लोगों से क्या कुछ कहा है, जरूर सुनिए इस वीडियो को। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि 1.5 साल बीत गया है लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी को अब तक इंसाफ नहीं मिला, इसे लेकर क्या आपकी राय है, जरूर राय अपनी कमेंट सेक्शन में बेबाकी से व्यक्त कीजिएगा। दोस्तों पता ने जवाब दिता, 5 स्टंट पा चुके हैं, 14 किलो वेट लूज किया है, फिजिकली बहुत माड़ी हालत है और मैनु डॉक्टर ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया भी मैं सड़कों के उत्ते फिर, पर जो मैं घरे बहना मैनु पुत की आत्मा नहीं टिकन देंगे, जगह जगह तो लगे जी। सारू जिमें कि सारे जानते हो पंजाब दे विच जो हड़ा की मार हुई है बहुत भयानक है, और मैं सारे समुचे पंजाबियों का धन्यवाद भी करदा भी सारे बढ़ चढ़ के ये अपना योगदान पा रहे, दूरों नेड़ों राशन चारा ट्रालियां सारिया भेज रहे हैं, और मैं उन्होंने भी एक बेनती करनी चाहना भी तुसी जो थोड़े कोई ज़्यादा राशन हुंदा है जां तुसी बेलोड़ी जगह पर जाते हो जिथे लोड़ नहीं हुंदी, जे तुसी खालसा एड दे नाल संपर्क करके जाओ तो उहदे नाल सर्विस है जिहड़ी साडी होर भी वधिया हो सकती है। सरसा रोड के उत्ते रामगढ़िया कोल्ड स्टोर के खालसा एड वालों एक वेयर हाउस है जिहड़ा बनाया गया है, उत्थे सारा राशन गट्टे जमा किए जाते हैं, सारे भी जो समान बंडे तो बिना रहता उतों फिर टीम बना के बोट के राही जे टिकाने उत्ते समान भेजा जाता है, और मैं ये खालसा एड नूं भी बधाई दिंदा भी उन्हें बहुत उत्साह तनदेही इस औखे कार्य के जिहड़ा नेपरे चाढ़ रहे हैं और सारे हड़ पीड़ितों की बांह फड़ रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।